सो हेलो एंड वेलकम, स्वागत का फोरेक्स फोन बॉक्स में। वीवो लेके आ गया है अपना टी सीरीज़ का और एक नया स्मार्टफोन जो वीवो T2 का सक्सेसर होने वाला है, वीवो T2 प्रो। तो आज हम बात करने वाले ये स्मार्टफोन की कि ये स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, सब कुछ बताओगे इसके बारे में। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियो में लाते रहते हो। तो पहले शुरू करते हैं फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी से, जिसमें बैक में आपको ग्लास बॉडी देखने मिल जाता है। इन हैंड फील एकदम प्रीमियम फील देता है और लुक की बात करो तो कुछ IQ Z7 जैसा ही लुक दे रहा है ये। तो ओवरऑल बैक पैनल में बहुत अच्छा लुक दे रहा है फ़ोन। पोर्ट्स और बटन की बात करो तो टॉप में नॉइस कैंसिलेशन माइक, बॉटम में स्पीकर टाइप सी पोर्ट, माइक सिम ट्रे जिसमें डुअल सिम का सपोर्ट देखने मिलता है, राइट में पावर बटन और वॉल्यूम बटन देखने मिलता है। अगर फिंगरप्रिंट की बात करो तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिल जाता है। तो बात करते हैं हम फ़ोन के डिस्प्ले की, जिसके अंदर आपको 6.78 इंच का एक फुल HD+ AMOLED पैनल वाली डिस्प्ले देखने मिलता है, साथ में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है और HDR10+ का भी सपोर्ट देखने मिलता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले सेगमेंट बहुत अच्छा है। अगर आउटडोर विजिबिलिटी की बात करो तो 1300 नीट्स का ब्राइटनेस पीक देखने मिल जाता है और तो आउटडोर में भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर की, जो इसमें वीवो T2 प्रो में दिया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 एसोसिएट का एक पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है जो 4nm पर बिल्ड किया गया है। रिसेंटली IQ Z7 में और वीवो V27 के अंदर ये प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8GB LPDDR4X रैम देखने में मिलता है, 128GB और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने मिलता है। अगर वर्चुअल रैम की बात करें तो 8GB तक आप रैम बढ़ा सकते हो। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको वैम्पर चैम्पर कूलिंग देखने मिल जाता है जो फ़ोन को हीट होने से प्रोटेक्ट करता है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड 13 आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने मिलता है, साथ में फन टच OS 13 लेटेस्ट अपडेट देखने मिलता है। अगर इसके UI की एंड्रॉयड वर्जन के अपडेट की बात करें तो 3 साल का आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने मिलता है, 2 साल का आपको एंड्रॉयड वर्जन अपडेट देखने मिलता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा है इस प्राइस सेगमेंट पर। तो बढ़ते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ, जिसके अंदर आपको बैक में ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 64MP का 2MP का डेप्थ कैमरा है, वहीं पर फ्रंट में 16MP सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करो तो डे लाइट और लो लाइट में दोनों में एक अच्छा इमेज क्लिक करके देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 30fps और 1080 60fps तक वीडियो शूट करके देता है। फ्रंट में बात करें तो 1080 30fps तक वीडियो शूट करके दे सकता है। तो ओवरऑल कैमरा की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज सेगमेंट पर एक सही कैमरा क्वालिटी वाला फ़ोन मिल जाता है ये। तो फाइनली बात करते हैं फ़ोन के बैटरी की, जिसमें 4600mAh का एक बैटरी देखने मिल जाता है, जिसके साथ में 66W का फास्ट चार्जर देखने मिल जाता है और इन बॉक्स आपको चार्जर देखने मिलता है, जो एक अच्छी बात है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 दिन तक आप आराम से बैटरी चला सकते हो, बट आपका यूज़ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो 45 मिनट में आपको फुल फ़ोन चार्ज करके देता है, ये ऑन पेपर दिया गया है। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर इसका प्रोस और कॉन्स देख पा रहे हो, जिसमें कैमरा में अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग है, UI में कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने मिलते हैं, सिंगल स्पीकर देखने मिलता है। अगर आपको अंडर 25K में एक परफेक्ट फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो कैसा लगा फ़ोन और वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।